हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। जैसा कि दोस्तों आपकी बीपीएससी तैयारी 3 के लिए टाइम बहुत कम है, आज 27 फरवरी है एंड आपके पास ओनली एक हफ्ते का टाइम है और मेरे से जितना कोशिश हो जाएगा दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जब तक परीक्षा नहीं हो जाता, और मैं हमेशा कराती रहूंगी क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का भी एग्जाम अगस्त में होगा, तैयारी 4 भी अगस्त में होगा, तो मैं आपको कराती रहूंगी। बट मैं इस एग्जाम्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने तैयारी 2 के लिए 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है, वो सभी वीडियोज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो मैं डेली बेसिस पे करा रही हूँ जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, वो सभी वीडियोज भी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने तैयारी 2 में सभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया था और क्वेश्चन भी उसी से आया हुआ था, और जो मैंने क्लास 11-12 का सरस्वती प्रकाशन का प्रैक्टिस कराया है वो भी कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काफी होगा, आप ज्यादा भटकने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों जिसे आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, शारीरिक विकास भी है, वर्धन एवं विकास भी है, व्यक्ति का स्वस्थ विकास है, बट सबसे मुख्य प्राथमिक उद्देश्य होता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का स्वस्थ विकास। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन पूछेगा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संपूर्ण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, ये जो ये क्वेश्चन पूछा है उसके पर्पज से व्यक्ति का स्वस्थ विकास यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन क्या है, या इसका दर्शन है उपयोगितावाद यानी कि प्रयोगवाद, जिसे हम व्यवहारवाद, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, जिसमें जो प्रैक्टिस यानी कि जो प्रैक्टिस है उसको मेन मानता है उपयोगितावाद, एक्सपेरिमेंटिज्म यानी प्रयोगवाद भी इसको कहा जाता है, अनुभव को ही मेन मानता है, और जब कहता है कि शारीरिक शिक्षा में आदर्श के गुण या सुंदर शरीर के गुण कहाँ से लिया गया है, तो आदर्शवाद से लिया गया है। याद रखिएगा, आदर्शवाद आर्योलिज्म के जो प्रवर्तक हैं वो है प्लेटो। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किसने मशाल को एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक ले जाने की प्रथा को शुरू किया था, तो वो थे, किसने शुरू किया था दोस्तों, तो वो थे एडॉल्फ हिटलर। जैसे कि ओलंपिक जो मशाल है दोस्तों, वो खेलों के प्रारंभ होने का प्रतीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है, जो मेरे से हो सकेगा वो मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। तो ओलंपिक मशाल जो है वो खेलों के प्रारंभ होने का प्रतीक है, ओलंपिक मशाल को बुझा देना खेलों के समाप्त होने का प्रतीक है। अगर दोनों क्वेश्चंस पूछेगा तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि खेलों के प्रारंभ होने का प्रतीक है, ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का प्रतीक क्या है, तो ओलंपिक मशाल को जलाना। ओलंपिक खेलों के समाप्त होने का प्रतीक क्या है, तो ओलंपिक मशाल को बुझा देना, याद रखिएगा। ओलंपिक मशाल क्या होता था, खेलों के प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया गांव के जीएस के मंदिर से लाई जाती है, वहां इसे सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाया गया था 1928 के एमस्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड में के ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी। 1932 में पुनः अपनाया गया, बट प्रथम बार आधिकारिक तौर पर कब जलाया गया, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में ओलंपिया से लेकर मशाल को सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुआ, और कार्ल डाइम ने मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रथा को शुरू किया था एडॉल्फ हिटलर ने। तो आधिकारिक तौर पर प्रथम बार ओलंपिक मशाल कब जलाया गया, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में, और सबसे पहले बात करेगा तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। एंड दोस्तों, सबसे पहले महिला, पहली बार किस महिला ने ओलंपिक मशाल को जलाया, तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार
नेमी एनरी क्वेटा वासिलो सोटेलो मैक्सिको की महिला थी जिसने मसाज से ज्वाला प्रज्वलित किया। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली बार किस महिला ने मसाज से ज्वाला प्रज्वलित किया, तो नेमी एनरी क्वेटा वासिलो सोटेलो जो मैक्सिको की महिला थी 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिक ध्वज की बनावट निम्न में से किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है जो ओलंपिक ध्वज है वह सफेद रेशम यानी सिल्क का बना होता है जो बिना किनारे वाली सफेद पृष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक होता है, केंद्र में ओलंपिक प्रतीक होता है जैसा कि आप सब देखे हैं। और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक जो छल्ले होते हैं, पांच छल्ले, वो अंग्रेजी के W अक्षर के आकार के होते हैं, ऊपर तीन होता है और नीचे दो, ठीक है, बीच में पांच छल्ले होते हैं दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पांच छल्ले होते हैं जो नीला पीला काला हरा और लाल होते हैं। जो नीला होता है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। और ये पांचों छल्ले पांच महादेशों यानी महाद्वीपों के प्रतीक हैं जो दुनिया की एकता को यानी आपसी सद्भाव को प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो ओलंपिक छल्ले हैं इसको पांच छल्लों को ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता 1924 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में मिला। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेले गए। तो दोस्तों 1896 में पीरडी कुबर्डिंग के प्रयास से एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया। जैसा कि ओलंपिक खेल आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह बैरन पीरडी कुबर्डिंग को कहा जाता है, इन्होंने 1894 में सरबोन नामक स्थान पर फ्रांस के IOC यानी कि इंडिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया जिसके तहत 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस में शुरू हुआ। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थे नहीं, सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे भी नहीं, सारे प्रतिभागी रोमन थे भी नहीं, तो प्राचीन ओलंपिक खेल की बात यहां पे कर रहा है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक की बात भी नहीं है, सारे प्रतिभागी सदस्य प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल में आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहा है, तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल में सारे प्रतिभागी जो है वो सदस्य ग्रीक थे यानी कि यूरोप के ही थे, ग्रीक वासी ही थे। उसके बाद धीरे धीरे सारे देशों के लोग शामिल होते होना शुरू किए, जैसे कि 1900 में महिलाओं को शामिल किया गया। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सारे प्रतिभागी सदस्य जो है वो ग्रीक के थे। नेक्स्ट है ओलंपिक ओलंपियन में खेले गए ओलंपिक खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं पृथक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई थी। तो दोस्तों ये प्राचीन ओलंपिक खेल में एक हेरा का उत्सव महिलाएं मनाती थी देवी जीएस की पत्नी हेरा के सम्मान में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है 8 यहाँ पे होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ होता है प्रतियोगिता। तो यहाँ पे आपका मुद्रा अर्जक यहाँ पे राइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रतियोगिता, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, नगर राज्य होगा नहीं, पुरस्कार का आकांक्षी प्रतियोगिता या पुरस्कार भी होता है, दौड़ भी होता है, तो मेनी एथलीट का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में प्रतियोगिता। तो यहाँ पे दौड़ राइट होगा कि मुद्रा अर्चक, इसको मैं क्लियर करके आपको बताऊंगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेलों में यह पता लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले डोपिंग का केस मिला 1960 रोम ओलंपिक में, जिसमें डेनमार्क का रोड साइक्लिस्ट न्यूड एडमार्क जेंसन जो है रोनिकल और एम्फिटामाइन अधिक ले लिया था, जो सहनशीलता को बढ़ाती हैं, और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद यह मृत पाया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार डोप टेस्ट कब हुआ? तो 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर लिलेंजे वाल। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, डोपिंग के विरुद्ध शपथ की शुरुआत कब हुई? तो 2000 के सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में रैचेल हॉके, ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी दल की कप्तान, ने शपथ लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह धनुर्विद्या प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय चेन्नई की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 में चेन्नई में हुआ, जबकि सबसे पहले इसकी स्थापना 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम के निर्देशन में लंदन में हुआ था, 6 जून 1844 में। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना HC बक यानी कि हैरी क्रो बक के द्वारा, अमेरिका से आए हुए विशेषज्ञ हैरी क्रोबक के द्वारा 1920 मद्रास चेन्नई में हुआ। इसलिए भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहे जाते हैं HC बक। नेक्स्ट है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो HC बक यानी हैरी क्रोबक थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं? तो दोस्तों, यह 5 महादेश यानी महाद्वीपों के प्रतीक के रूप में संदेश देते हैं। ये जो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज पर, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जो नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है, जो 5 महादेशों के दर्शाते हैं और दुनिया को एकता के प्रदर्शित करते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, फिलीपीनीज था, तो फिलीपीनीज जो है एथेंसवासी ग्रीक था, जो सबसे पहले मैराथन दौड़ का जन्मदाता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सकीय व्यायाम का पुरोधा कौन था? तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, जो ग्रीक के थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार खेले गए? तो दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहली बार खेला गया 1924 को। कब खेला गया शीतकालीन ओलंपिक? सबसे पहले 1924 में खेला गया, 1924 को शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहले खेला गया फ्रांस के केमोनिक्स नामक स्थान पर। और जो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक था, बीजिंग चीन में खेला गया था। एंड 2026 में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होगा इटली में, मिलान और कोर्टिन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 था, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ उपयोग में लाया गया? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि ओलंपिक ध्वज को 1913 में
बैरन पियर डी कोबर्टिन ने बनाया था। किसने बनाया था? बैरन पियर डी कोबर्टिन ने 1913 में बनाया था, जिसको सर्वप्रथम फहराया गया ओलंपिक में 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा के निर्देशन में हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पियर डी कोबर्टिन के द्वारा किया गया। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड है और प्रथम अध्यक्ष जिसी बाइक्लास थे। अब वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों नाम नहीं याद आ रहा है, इससे पहले थॉमस बाक थे, उसके बाद कोई और आ गया है जिसको मैं क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि क्या थी? तो 16 दिन की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों को कब प्रतिबंधित किया गया? तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल है वह जो है 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए थे और यानी 1200 वर्षों तक। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद दोबारा से 1896 में पियर डी कोबर्टिन ने ओलंपिक को शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में पेलेस्ट्रा यानी व्यायामशाला किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन ग्रीस में पेलेस्ट्रा यानी व्यायामशाला एक मल्लयुद्ध विद्यालय था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम किस लिए प्रसिद्ध था? तो एथेंस में डिडास्केलियम जो है वो संगीत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? संगीत के लिए। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने किया था? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी प्रथम बार किस देश ने किया था, एशियाई देश ने, तो वो मलेशिया किया था। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में और 2022 का 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, जो 28 जुलाई से 18 अगस्त 2022 में संपन्न हुआ। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा और 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में भारत ने 61 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रांज मेडल प्राप्त किए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में आयोजित एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेल शामिल किए गए? तो यहाँ पे स्नूकर एंड बिलियर्ड्स शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस वर्ष बनाया गया? तो साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को किया गया था। नेक्स्ट है, स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्टास। और स्पार्टा में दोस्तों जो अस्वस्थ, अपंग, दुर्बल बच्चे होते थे उनको टाइगर्स पर्वत से फेंकवा दिया जाता था।
और स्पार्टा में जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली होती थी उसको एगाग बोला जाता था, और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली की जो कर्ता धर्ता थे उसको पैडोनोमस बोला जाता था, और स्पार्टा काल में जो खेल के मैदान हुआ करता था उसको प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। ठीक है, तो खेलकूद को मैदान को स्पार्टा में क्या बोला जाता था? प्लेटेनिस्टास। एंड नेक्स्ट है, व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की? तो दोस्तों व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना रोम वासियों ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, एथेंस में कैरेट कोर छात्र नेता के रूप में नामांकित होने वाले लड़के को क्या कहा जाता था? तो इसको एफी बॉय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एफी बॉय। नेक्स्ट है, लोक व्यायामशाला लेजियम का संबंध किससे था? तो इसका संबंध अरस्तु से था। लोक व्यायामशाला और लेजियम की शुरुआत अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट है, गेंद के शिक्षक जो पेड्रो ड्राइव्स के संस्थानों के अधीन कार्य करते थे उसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो पूर्व एथेंस काल था उसमें प्लेस्ट्रा में जो सारे शिक्षक, प्लेस्ट्रा जो होता था उसमें व्यायामशाला को प्लेस्ट्रा बोला जाता था, जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक दिखाई जाती थी। और प्लेस्ट्रा में जो शिक्षक होते थे सारे शिक्षक उसको पेड्रो ट्राइव कहा जाता था। और उस शिक्षकों में जो गेंद के शिक्षक होते थे यानी कि बॉल का प्रयोग करके सारी शिक्षा देते थे उसको स्फेरिस्टिस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्फेरिस्टिस। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक को क्या कहा जाता था? जो धनुर्विद्या सिखाता था उस शिक्षक को टैक्सोटोज बोला जाता था, टॉक्सोटोज कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में अंग मर्दन क्या कहलाते थे? तो प्राचीन ग्रीस में अंग मर्दक को एलाइप्टे कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों एंड लास्ट है, मड बाथ यानी उष्णपंक स्नान यानी कि कीचड़ स्नान जिसे कहते हैं मिट्टी में स्नान, ये प्रचलित था। तो यह एथेंस में प्रसिद्ध था यानी कि पूर्व एथेंस काल में प्रसिद्ध था। एक और पूछा जाता है, थर्म फॉर बाथ जो कोलिजियम स्नान गृह था वह उत्तराद रोम में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी कि मुख्य मुख्य पॉइंट आपको जरूर परीक्षा से पहले तक करा दूं जिससे आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।